So then Radha had received more than 17 million views. Like, what's your reaction? And people are loving this song and the entire shoot, the vibe of the entire music video. I think I'm really very, very, very happy that people have loved this song so much. एंड मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जब भी गाना आता है लोग प्यार देते हैं एंड सपोर्ट करते हैं. मैं जेन्युइनली बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ. मैं ऑलवेज एक ही चीज़ बोलती हूँ बट दिस इज़ हाउ आई एक्चुअली फील. एंड मैं थैंक यू के अलावा कुछ कह नहीं सकती बट आई कैन प्रोमिस कि एवरी टाइम देयर इज़ अ सॉन्ग आई प्रोमिस टू गिव माई 200% एंड मोर. What sort of changes do you see in yourself, like the first time when you shot for your first music video till the time like your journey? So like, what sort of changes do you see yourself? I think I'm more confident now in my skin, in my art, in what I believe in. I think my opinions are strong-headed now. I know what I want. And of course, it'll get better with the older I get and the amount of songs that I do with the experience. But I feel like now I'm in a good place. पहले पहले मुझे ऐसा you know, I used to listen to everybody. अभी भी मैं सुनती हूँ. But now I know that मेरे लिए जो सही है मैं उन्हीं लोगों के opinions consider करती हूँ. पहले मुझे I feel like पहले ऐसा लगता था कि मुझे किसी ने धकेल दिया है और मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है. बट आई फील लाइक धीरे 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 मैं सॉर्ट होती गई हूँ और मैं डेफिनेटली इन फ्यूचर बेटर होती जाऊँगी. बट नाउ राइट नाउ आई एम इन अ गुड प्लेस और आई नो व्हाट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक आई वांट टू डू. यू नो, व्हाट्स योर क्रिएटिव प्रोसेस लाइक? जैसे राधा के लिए भी जब आपने गाना सुना देन जो पूरा शूट प्लान हुआ, सो लाइक हाउ वाज द एंटायर प्रोसेस लाइक व्हेन यू फर्स्ट हर्ड दिस सॉन्ग एंड मतलब किसको सुनाया, देन अप्रूवल लिया, देन जो म्यूजिक वीडियो भी था सारा? बेसिकली राधा इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट. आई वेंट टू अभिजीत, वी मेड इट फ्रॉम स्क्रैच. सो अभिजीत स्टूडियो हम गए, मैं गई, हम मैं और कौन मैं गई और उसके बाद वी स्टार्टेड टू यू नो ही सेड जस्ट राइट डाउन योर थॉट्स. तो मैंने वो शुरू किया लिखना और फिर ये उन्होंने ट्रैक्स लेयर करने चालू किए और देन वी सॉर्ट ऑफ केम अप विथ द वर्स, द स्टार्टिंग जो मुखड़ा होता है गाने का वो हमने किया. उसके बाद हम बिल्ड करते गए गाने को और कुणाल सर जो है उन्होंने बेसिकली ही अंडरस्टूड व्हाट माय थॉट प्रोसेस वाज इन टर्म्स ऑफ द वर्ड्स और जो मुझे कहना था. एंड उन्होंने बहुत ब्यूटिफुली लिखा एंड उसके बाद वी सॉर्ट ऑफ सेंट इट टू शिवम. शिवम इज़ एन ANR इन टी सीरीज एंड उन्होंने फिर भूषण जी को सुनाया और खुद के भी इनपुट्स दिए. एंड सो ऐसे पूरा सिस्टम चलता है. बट उसके पहले ऑफकोर्स माई डैड हियर्स इट एंड लाइक तो मैं उनका कान बहुत अच्छा है. सो आई ऑलवेज लिसन टू व्हाट इनपुट्स ही हैज़ टू गिव एंड ही ऑलवेज सेज कि अगर आप गाना गुनगुना सकते हो तो वो डेफिनेटली लोगों को समझ आएगा. सो एंड एज यू नो म्यूजिशियंस यू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड म्यूजिक बट एज लेमन यू नो उनका ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इफ दे कैन सिंग इट देन अदर पीपल कैन सिंग इट. सो आई ऑलवेज यू नो मेक इट अ पॉइंट कि मैं उनके ओपिनियंस लूँ इम्पॉर्टेंट पीपल एंड ऑफकोर्स भूषण जी यू नो हर्ड इट एंड देन ही सॉर्ट ऑफ हेल्प्ड अस इन टर्म्स ऑफ क्या मुखड़े में चेंजेस करने हैं. तो पहले मेलोडी थोड़ी सी अलग थी फिर हमने उसको उसके हिसाब से ढाला एंड देन द सॉन्ग वॉज मेड एंड देन ऑफकोर्स करण हैज़ डन अ ब्यूटिफुल वीडियो. रजत हैज़ कोरियोग्राफ्ड इट एंड रवि सर इज द DOP हु इज़ मेड मी लुक सो अमेजिंग एंड या आई एम सो वेरी हैप्पी विद राधा. When you have started with like soothing numbers, then फिर peppy numbers like the pop type of, है ना? So do you plan it or just go with the flow की जैसे अभी आपने राधा कर लिया तो you'll be like यार अभी एक soothing number करना है. So do you plan or just? I don't plan, dude. I don't plan. I feel like I do what I feel in the moment, what how and where I'm at in life, you know. ऐसा कुछ
कभी कोई कुछ प्लान नहीं था, बट ऑफ कोर्स लाइक अभी राधा है तो नेक्स्ट गाना यू नो हम ऐसे प्लान करते हैं, बट नथिंग लाइक तीन चार गाने यू नो इज इन लाइन, क्योंकि आई फील लाइक आई डोंट नो हाउ आई फील यू नो एट दैट टाइम, सो आई वांट दैट एक्साइटमेंट टू बी देयर इन माय लाइफ दैट अभी अच्छा मैं आराधा कर रही हूँ, उसके बाद मैं ये कर रही हूँ, और फिर आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, सो आई एम गोइंग टू लुक फॉर यू नो सॉन्ग्स, सम सॉर्ट ऑफ सिट विद समवन एंड मेक इट. So I remember, I think that was the vaste time promotion I met you and the things that you have told, you know, confidence badhta aur bahut sari cheeze seekhte hain. So I can see that change and you know, like you are very bubbly type and you are like always talking, smiling and you have already given so many hit songs, matlab jo numbers mein bahut zyada hai. If we see, like if you go by your age, so you know, how do you keep yourself grounded and approachable and मतलब ज़्यादा फेम के उसमें होता है ना कि when people feel कि यार numbers भी अच्छे आ रहे हैं, एक वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, but still you feel very grounded. So like how do you keep yourself each time? So I think it's a lot to do with upbringing. My parents are very they taught me good values and they always said be a good person before you become anything else and try to understand other people's emotions. So I've never been someone who tries to throw a tantrum or मैं अपना काम करती हूँ और लोगों से अच्छे से बिहेव करती हूँ, घर जाती हूँ, खाना खाती हूँ, सो जाती हूँ. And you know which type of music genre that you want to explore and जैसे आपने अलग अलग type के music videos करे, गाने गाए, which is that one thing and that strikes you in mind कि ध्वनि यार ये चीज़ अभी बाकी है, ये करना है? I think I really want to experiment with something with Afro beats, and I want to do something in jazz. But I don't know how I'll try to make it commercially viable because people also have to listen to it. And so I'll definitely like you know always been interested in these genres. So आगे जाके I'll see if I can work with a composer and a lyricist and sort of come up with something with writers. Let's see. And what message and what advice do you want to give to the youngsters, aspiring singers who want to, you know, make name in this singing field? I just want to say that don't lose your identity. It's okay if you're getting influenced by others, but other artists, that is. But do not try to copy someone completely because it never works. It never, never ever works. You'll always be second option then. And message to your fans? Message to my fans is thank you and I love you so much and thank you for supporting Radha and all the songs that I've done so far and we might not meet in person right now but definitely I think once you know Corona sort of ends I'll definitely try to meet all of y'all. I'll try to keep a meet and greet. Thank you so much Dhani.